जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4, टॉपिक है हमारा एम्प्लॉइंग मेथड ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो एम्प्लॉइंग मेथड फर्स्ट हमने रीड करना है, द अबव रिलेशन कंटेन रिपीटिंग ग्रुप। मतलब ये रिलेशन जो होता है क्या, रिपीटिंग ग्रुप पर मुश्तम। मतलब रिपीटिंग ग्रुप से मुराद कि एक ही टेबल में एक से ज़्यादा, मतलब नाम की चीज़, मतलब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट। द एट्रीब्यूट्स ईच नंबर ईच नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल एकोरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। मतलब इसमें क्या होता है, इस एट्रीब्यूट फर्स्ट में कहते हैं द एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नेम है, सॉरी एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, ये क्या होता है, आर बीइंग रिपीटेड, ये रिपीट होते हैं फॉर सिंगल एकोरेंस, मतलब सिंगल एकोरेंस में फॉर डिपार्टमेंट नंबर। मतलब फर्स्ट देखें ये डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, इसमें क्या है मैनेजमेंट है, देखिए इसका डिपार्टमेंट नंबर है, दस दस दोनों का एक नंबर है डिपार्टमेंट का, जबकि इनके एट्रीब्यूट्स भी एक जैसे हैं, लेकिन इसमें क्या ये बार बार देखिए दोनों डिपार्टमेंट नंबर एक जैसे हैं, दस दस मैनेजमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नेम भी, लेकिन एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे चेंज है, एम्प्लॉय नेम ही चेंज है, तो ये क्या होगा, रिपीटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। इसके बाद अगर द रिपीटिंग ग्रुप आर रिमूव्ड बाय इंटरिंग प्रॉपर डेटा, मतलब ये रिपीटिंग ग्रुपों से रिमूव हो जाता है प्रॉपर डेटा करते हैं इन ब्लैंक फील्ड एज फॉलो, जो कि ब्लैंक फील्ड के अंदर। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ बनाया गया है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर में 10 है, दूसरे डिपार्टमेंट 10 है, डिपार्टमेंट नेम क्या है मैनेजमेंट है, दोनों मैनेजमेंट के हैं, लेकिन इसमें एम्प्लॉय नंबर एक देखें E01 है, दूसरा E02 है, इधर उस्मान इधर अब्दुल्ला, ये एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर यहाँ चेंज है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट एक जैसे लेकिन डिपार्टमेंट नंबर मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों में दोनों रिपीटिंग ग्रुप हो गए, ये आपस में क्या हो गया रिपीटिंग ग्रुप, जबकि दूसरा अब 2020 है, यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट नंबर है, ये भी फिनांस का है, ये एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम चेंज है, ये भी एक रिपोर्ट रिपीटिंग ग्रुप। अब देखें जैसे नहीं बता, अब अवर रिलेशन इज नो इन फर्स्ट एंड ऑफ, मतलब पहले रिलेशनशिप में क्या होगा, अब ईच फील्ड कंटेन सिंगल वैल्यू, मतलब ये फील्ड क्या होगी सिंगल वैल्यू पर मुझे तो मिले, इट विल हैव अ कंपोसाइट की, मतलब ये क्या होगा कंपोसाइट की, देन कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट्स, मतलब ये एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये होंगे। फर्स्ट मेथड पढ़ लिया, इंशाल्लाह इसका सेल कल सेकंड मेथड पढ़ेंगे, यहाँ तक मेरा टॉपिक क्लियर होता है, अल्लाह हाफिज़।